हिंदु दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे जोन का पेपर हो गया है, आखिरकार कितना कट ऑफ जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पास अभी बहुत सारे जोन का पेपर होना बाकी है और लगभग अक्टूबर में पेपर ख़त्म ही हो जाएगा। जैसे ही हुबली जोन का पेपर हो जाएगा, आपका एग्जाम जो है तो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद किसी भी जोन का पेपर नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पास बता दूँ कि 2018 के कट ऑफ के आधार पर और अभी जिस जोन का यहाँ पास पेपर हो गया है, उसके आधार पर मैं एक कट ऑफ तैयार किया हूं और लगभग इतना ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके पहले 2018 में ग्रुप डी की भर्ती निकाली गई थी, 62,907 पोस्ट टोटल थी और 1,90,00,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, 2019 में भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी और 2019 में फिर से भर्ती निकाली गई, 1,03,739 टोटल पोस्ट निकाली गई। ठीक है, फॉर्म कितने भरे गए, 1,15,00,000 लोगों ने इस फॉर्म को भरा। ठीक है, और इसी का जो है तो अभी पेपर हो रहा है। ठीक है, और लास्ट अक्टूबर तक में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हुबली जोन का पेपर होगा, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 23 में ये भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2023 में फिर से भर्ती ग्रुप डी की निकले। ठीक है दोस्तों, आपको फाइनल कट ऑफ जानने से पहले 2018 का कट ऑफ जानना बहुत जरूरी है कि 2018 में आखिरकार कितना कट ऑफ गया था। तो आप यहां देख सकते हैं, अजमेर का 73, जनरल का गया था, ओबीसी का 70, एससी का 63 और एसटी का 60 गया था, इलाहाबाद का जनरल का 74, ओबीसी का 69 और एससी का 62 और एसटी का 50 गया था। इसी प्रकार लगभग इतना ही सभी जोन का गया था। दोस्तों, आप यहां चेक कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 70, 71, 72 यही लगभग गया था। ठीक है, जनरल वालों का 70 के ऊपर ही गया था, यहाँ पास आप देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, भोपाल का जनरल कैटेगरी का 75 कट ऑफ गया था। ये फाइनल कट ऑफ है दोस्तों, ठीक है, 2018 का। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं, चंडीगढ़ का 75 गया था, जनरल का, ओबीसी का 68 गया था। तो लगभग इतना ही कट ऑफ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं जाता है दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गया था दोस्तों, तो कोलकाता का गया था 80 नंबर, जनरल का, ओबीसी का 71 और एससी का 71 और एसटी का 55। ठीक है, और यहां पास आप देख सकते हैं, गुवाहाटी का जनरल कैटेगरी का 77 कट ऑफ गया था, ओबीसी का 72। इसी प्रकार आप यहां देख सकते हैं, मुंबई का 65 जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 63, एससी का 58, एसटी का 52 गया था। पटना का आप यहां देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी का 77, ओबीसी का 72, एससी का 61 और एसटी का 58। पटना का भी बहुत ज़्यादा हाई गया था। ठीक है, लेकिन कोलकाता का सबसे ज़्यादा हाई गया था 2018 में। सिकंदराबाद का आप यहाँ देख सकते हैं, 69 गया था जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 65 और एससी का 59 और एसटी का 56 गया था। ठीक है, रांची का आप यहां देख सकते हैं, कट ऑफ लगभग 70 के ऊपर ही गया था, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 70 के नीचे। ठीक दोस्तों, 2018 के कट ऑफ के आधार पर और अभी जिस जोन के पेपर हो गए हैं उसके आधार पर मैं यहां पास कट ऑफ तैयार किया हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपके नंबर 68 नंबर से लेकर 73 नंबर के बीच में आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपके नंबर 63 नंबर से लेकर 68 नंबर के बीच आ रहे हैं, तो आपके यहाँ पास सिलेक्शन के चांस हैं। ठीक है, और इसके बाद यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और आपके नंबर जो है तो 60 नंबर से लेकर 65 नंबर के बीच आ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस हैं। ठीक है, इसके बाद यदि आप एससी कैटेगरी से आते हैं और आपके नंबर 55 नंबर से लेकर 60 नंबर के बीच आ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। इसके बाद यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपके नंबर 50 नंबर से लेकर 55 नंबर के बीच आ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, आप हो सकता है किसी जोन का जो है कट ऑफ ऊपर जा सकता है, किसी जोन का कट ऑफ जो है तो नीचे जा सकता है ना, तो इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन कट ऑफ आपका लगभग इतना ही जाने वाला है। ठीक है, और आपके सिलेक्शन का चांस जो है बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।